तेजस्वी अभी युवा नेता है जी, अभी उसको सीखने की जरूरत है, अभी अपने अनुभव को देने की जरूरत। रेल मंत्री थे तो अच्छा ही काम किए थे, गवर्नमेंट को फायदा दिखाए थे, यही हम लोग CBI और ED का छापा पड़ा है जी। उनसे साइन कराया गया कि आपके पास में इतना पैसा है, लिखित होता है जी, जी। लिखित में देना पड़ेगा। CBI का छापा हर जगह डाल रही है, जितना प्रॉपर्टी वाले आदमी है उन पर छापा डाल रही है जिनके पास में हड़प। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत, और इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन पर। और अभी हम बात करें लालू यादव के परिवार में, जो मतलब कि CBI और ED का जो छापा पड़ा है उन पे मतलब कि लोकल लोगों से जानकारी कोशिश करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह थी और क्या कारण था इस पे पड़ रहा है। और लालू तेजस्वी यादव जो है मतलब कि उनको बुलाया गया था तो वो मना कर दिए थे, और उन पे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गोरखनाथ। गोरखनाथ सर, अभी लालू यादव के परिवार पे जो CBI और ED का जो छापा पड़ा है उस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम यही कहना चाहेंगे कि या अब हम लोग तो देखे नहीं हैं कि उनके पास में कितने संपत्ति हैं, ये क्या है जी। वे तो गवर्नमेंट का अभी हिसाब है कि उनके पास में ज़्यादा संपत्ति हैं, इसलिए छापा लगा रखे हैं ED और CBI का जी। और मतलब कि और आप मतलब कि जो भी जानकारी है सर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अगर आप जब तक सच्चाई नहीं बताइएगा तब तक, क्योंकि ये जो बात निकल के आ रही है CBI और ED का, तो ये कहाँ तक आपको लगता है सत्य है, कहाँ तक लगता है ये गलत है? अब कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है, ये तो लिखित होता है, उनके पास में जो CBI और ED का छापा पड़ा है जी, उनसे साइन कराया गया कि आपके पास में इतना पैसा है, लिखित होता है जी, जी। लिखित में देना पड़ेगा, जो उनके पास में संपत्ति वो लिखित में देना पड़ता है, कंप्यूटर में एट होता है जी। उस पर साइन करेंगे तेजस्वी यादव की हाँ ये इतने हमारे संपत्ति हैं जी, तो वो अभी तक दिए नहीं है। अब तो वे जाने, अब हम तो देखे नहीं। अच्छा। आप लोगों को कहने से सुन रहा हूँ कि ED का छापा पड़ा है CBI का जी। तो गवर्नमेंट तो डाल रही है, जनता सरकार CBI का छापा हर जगह डाल रही है, जितना प्रॉपर्टी वाले आदमी है उन पर छापा डाल रही है जिनके पास में हड़प रखे हैं। बाकी तेजस्वी यादव जी को आप क्या मतलब कि कहना चाहेंगे आप अपने अनुसार, और लालू यादव को क्या बोलना चाहेंगे आप सर? लालू यादव को यही बोलना चाहेंगे कि क्या वो तो अपने जब रेल मंत्री थे तो अच्छा ही काम किए थे, गवर्नमेंट को फायदा दिखाए थे, यही हम लोग सुने जी और देखे भी जी, कि गवर्नमेंट का फायदा हुआ था रेलवे से, कि विदेशों से उनके पास में सीखने के लिए आते थे कि कहाँ से इतना दिमाग आया कि ये इतना गवर्नमेंट का फायदा रेलवे से दिखाए जी। और हम लोग तो देखे नहीं, नहीं सुने। बाकी और भी भैया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या बात निकल के आती है। क्या नाम है सर आपका? कुंदन। कुंदन, अभी जैसे कि CBI और ED का मतलब कि छापा पड़ा है, हाँ ये जानकारी है सर आपको? हाँ छापा जी। इसमें सर आपको क्या मतलब कि आप अपना राय देना चाहते हैं? क्या कहेंगे, CBI अपना काम कर रही है जी, जो सही होगा सामने आएगा, जो सही होगा आप आएगा। जी लालू यादव से क्या मतलब कि उम्मीदें करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद करना चाहते हैं सर आप? तेजस्वी अभी युवा नेता है जी, अभी उसको सीखने की जरूरत है, अभी अपने अनुभव को देने की जरूरत है जी। जैसे कि वहाँ पे जांच में मतलब कि इसको बुलाया गया था तेजस्वी यादव को, तो वहाँ पे पहुँचे नहीं, उस पर मतलब कि बातों को घुमा दिए, उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? बातों को घुमा दिए तो ये तो उनकी मजबूरी होगी, हम क्या बता सकते हैं उसमें। अच्छा, इस पर क्या आप मतलब कि संदेश देना चाहते हैं तेजस्वी और लालू यादव को आप अपने हिसाब से सर, क्योंकि आप बिहार के एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते अपना हक और अपना बातों को रखने का सबको हक है। हम तो यही कहें कि बिहार के लिए सुदृढ़ और युवाओं को रोजगार देने के लिए जो भी नेता प्रयासरत होंगे वही सबसे अच्छे हैं। अच्छा, वही सबसे अच्छे हैं। बाकी यह जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।